हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रीम इलेवन नेचर आइस टी टेन की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर सैंपेन रिफ डाइवर वर्सेस द वेल्ले हाइकर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच के, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर त्रिपुरा वुमेंस T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर BBL T20 के वीडियोज़। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले, तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:30 पर विंडसर पार्क रोसो डोमिनिका वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, हालांकि बैटिंग के लिए ठीक ठाक पिच है, लेकिन बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, ऐसे विकेट्स काफ़ी अच्छी खासे गिरते हैं। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 80 से 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, हालांकि कई बार यहाँ पर चेजिंग करते हुए भी टीम जीती हुई है, तो यहाँ पर मिक्स आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ही पसंद करती है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम CRD की, जो कि ऐसे 7 मैच खेली है जहाँ से 5 मैच वो जीती है, 2 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो आईलिक अथानाजे के साथ ऐसे लेनिको बाउसर दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेंगे, इवन दोनों ही यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस दोनों नहीं, यहाँ से चारों ही कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। यहाँ पर एलिक अथानाजे हो गए, यहाँ पर लेनिको बाउसर हो गए, यहाँ से जेंसन एलेक्जेंडर और यहाँ पर डेरन नेड, ये चारों ही अच्छी पिक है, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इसमें से सेफ यहाँ पर 1, 2 और 3 हैं। ज़्यादातर मेरे पिछले 3-4 मैचेस की बात करूँ तो मैं एक कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे लोनी को बाउसर कैप्टन रह रहे और वाइस कैप्टन यहाँ पर डेरन नेड रहे थे पिछले 3-4 मैचेस के अंदर, और वही कॉम्बिनेशन के साथ मैं एक बार फिर से जाऊँगा। अली गथाना जी भी अच्छी चॉइस है, इनको डेफिनेटली लेके जाना है, यहाँ से चारों प्लेयर को एज अ प्लेयर लेके जाना है। कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर हम लोग जाए तो ऐसे अथाना जी ने ऐसे 36, 64, 45, 25, 67 जैसे स्कोर किए हुए हैं, 4 बार वो ओवर्स भी करवा चुके, लेकिन वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन यहाँ से बैटिंग से आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दे देते हैं। लेनिको बाउसर की बात करूँ तो शुरुआत के 2 मैच के अंदर 50 प्लस का स्कोर, फिर यहाँ से 44 किए, 23, 24 और विकेट्स के मामले में भी यहाँ पर बिल्कुल कंजूसाई नहीं की, एक ही मैच को अगर छोड़ दे तो बाकी सारी मैच के अंदर विकेट्स निकाले हुए हैं, इवन यहाँ पर 2 बार तो इन्होंने 2-2 विकेट निकाले। तो ऐसे लेनिको बाउसर वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की सेफ चॉइस। बात करें ऐसे जेसन एलेक्जेंडर भी यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए मैंने लास्ट मैच के अंदर सजेस्ट किया था, हालांकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, तो रिस्क लेकर तो ले सको तभी ट्राई करना है, बाकी एज अ प्लेयर तो आपको लेके जाना है। डेरन नेड एक कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, इनको आप लोग ट्राई करना है। बात करें ऐसे जेड जोसेफ तो ओके रहेंगे, हालांकि इनके भी ओवरऑल आंकड़े के हिसाब से जाए तो 9 मैच के अंदर करीबन 20 के एवरेज से 155 रन है, तो इनको थोड़ा सा रिस्की तौर पर या फिर डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसे कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं घट जाती है, तो इसमें अगर ये पैसा भी कुछ घटना घटा दे तो आपके लिए अच्छी खासी विनिंग हो सकती है। मिका जोसेफ वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको लेके जाने, 2 बड़े परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट के अंदर, बाकी के मैचों में कुछ खास नहीं किया है, तो वही 2 मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग इनको लेके जाएंगे। जर्वन रफेल और यहाँ पर यवानी रेगिस दोनों ओके रहेंगे, इनको तो बहुत ज़्यादा रिस्क करो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तभी ट्राई करना है। यहाँ से जैसे मार्सेल इनको आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, 2 बार यहाँ से विकेट वगैरह चटकाए, बाकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, 3 मैच के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। लुइसी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लिखे जाना है, बाकी सरकिम थॉमस ओके रहेंगे। बेंच से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि आपको आसानी रहती है चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे टीम TVH की, जो कि 7 मैच के लिए जहां से 4 मैच वो जीती है, 3 मैच वो हारी है, ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन ये टीम जब भी होती है तब मुझे कैप्टन की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि यहां पर गिडवन पॉप जो कि
सारी जनता के कैप्टन रहते हैं, तो हमारे भी यहाँ पर कैप्टन ही रहेंगे, क्योंकि अब बंदे ने यहाँ पर दिखाया है रंग अपना दिखाया है ऐसे। 56, 74, यहाँ पर 69, 42, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट, तो बैटिंग से बॉलिंग से भाई साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस, शार्लोन जॉर्ज को आप लोग बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो अगर कोई चॉइस ना मिले तो। लास्ट मैच के अंदर 50+ की पारी खेली, इसके पहले भी ऐसे 30-22 जैसे स्कोर किए हुए, भरोसा पूरा कर सकते हो। ब्रायन जोसेफ पिछले 2 मैच की बात करो तो भाई साहब ने यहाँ पर कहर टाया हुआ है, पिछले 2 मैच के अंदर बंदे ने 5 विकेट निकाली। इवन यहाँ पर सेकंड लास्ट मैच की बात करो तो वहाँ पर 44 रन की एक बड़ी पारी भी खेली थी, तो इनके ऊपर भी आप लोग भरोसा कर सकते हो। बात करें यहाँ पर केविन जेम्स जो कि टीम की कैप्टनशिप करवा रहे, लेकिन इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, हालांकि शुरुआत उनकी अच्छी रही और आखिरी के मैच की बात करो तो यहाँ पर 1 विकेट निकाला था, बाकी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तभी ट्राई करना है। बाकी एलेक्स एटोनी की बात करो तो कुछ अच्छे परफॉर्मेंस इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जरूर दिए हुए, बाकी पिछले 2 मैच के अंदर इनकन्सिस्टेंट रहा है। इवन लास्ट मैच की बात करो तो ओवर्स भी नहीं करवाई, लेकिन ये यहाँ से 1-2 ओवर्स तो करवा ही लेगा, तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में, या फिर ऐसे 4 मेंबर, 6 मेंबर, 11 मेंबर जैसे लीग खेलते हो तो यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा करते हुए इनको ट्राई कर सकते हो। कैली केबे ने भी लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट निकाली, इसका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अभी के लिए ट्राई जरूर करना है इनको। बात करें ऐसे जेमी जेम्स जो कि शुरुआत उनकी बात करूँ तो सारे मैच के अंदर विकेट्स निकाले, लास्ट मैच की बात करो तो विकेट लेस रहा, लेकिन इसके पहले बंदे ने 3 विकेट निकाली थी। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेता है यहाँ पर, मिडल ओवर्स वगैरह में आएगा, हालांकि 10 ओवर्स की मैच है, मिडल ओवर्स जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 5वीं छठी के आसपास ओवर्स करवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अल्टन मार्क ओके रहेंगे, ऐसे ओडिया मार्क होनोर ओके रहेंगे, इनको अभी तक मौका मिला नहीं है और ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी इनके अवेलेबल है नहीं। बात करें ऐसे जेडन जेम्स प्लेयर अच्छा है, यहाँ पर 3 विकेट निकाली थी, इसके बाद 2 ओवर्स की गेंदबाजी की विकेट लेस रहा, लेकिन बाकी यहाँ से रेगुलर बेसिस पर ओवर्स करवाते नहीं है, तो इनको थोड़ा सा लेके जाना रिस्की रहेगा। यहाँ से डेलानी अलेक्जेंडर इंपॉर्टेंस रहेंगे, इनको डेफिनेटली ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी तक का इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, हालांकि मिला जुला परफॉर्मेंस है, कभी कभी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, कभी कभी यहाँ से विकेट लेस जाते हैं, लेकिन फिर भी मिला जुला परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवर्स पूरी करवाए तो इनको हम लोग ट्राई करेंगे, हमारी टीम के अंदर उनको लेके जाना है। रिक जेम्स और यहाँ पर कैनन फिलिप, इन दोनों में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर एल बाउसर को हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ पर आप लोग रेगिस वगैरह को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे बाउसर को अभी के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो ऐसे गिड्रोन पॉप है, इनके साथ यहाँ पर केबे है, इनके साथ ऐसे अथानाज है, और एस जॉर्ज को लिया है आप लोग, ना बी जॉर्ज को ट्राई करिएगा, आई थिंक यहाँ पर ब्रायन जोसेफ अच्छी रहेंगे एस जॉर्ज के बजाय। इसके अलावा एक और चॉइस है जहाँ पर मिका जोसेफ की बात करो तो बहुत ज़्यादा पब्लिक लेके जा रही, तो आप लोग भी यहाँ से इनको लेके जाना, तो उनको लेके जा सकते हो, बाकी ये चॉइस है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर डी अलेक्जेंडर और जे अलेक्जेंडर हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर भी आप लोग अलेक्जेंडर को ड्रॉप करते हुए यहाँ पर एस जॉर्ज या फिर एम जोसेफ को ले सकते हो, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट के अंदर भाई साहब को एक ही बार यहाँ से विकेट्स मिली हुई है, यहाँ से 3 विकेट मिली थी और यहाँ पर भाई साहब ने किया है कुछ कमाल, 1 विकेट नहीं मिली थी, तो यही है कुछ 1-2 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है, तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में इनको ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर ए एंटोन देखो, इनके ऊपर मैंने रिस्क लिया है, आप लोग इनको भी ड्रॉप करते हुए यहाँ पर किनको ले सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी को मैंने यहाँ पर जो बैटिंग सेक्शन से सजेस्ट किया एम जोसेफ या फिर एस जॉर्ज, इन दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते हैं। बाकी डी नेड, जे जेम्स और एल लुसी, ये तीनों आपकी टीम के अंदर चाहिए। बाकी टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कैप्टन मैंने किया यहाँ पर गिड्रोन पॉप को, वाइस कैप्टन मैंने ऐसे बाउसर को किया है जो कि सेफ रहेंगे। अदर आप लोग क्या कर सकते हो ना, एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि दोनों को रोटेट कर सकते हो, यानी कि बाउसर को कैप्टन करते हुए यहाँ पर गिड्रोन को वाइस कैप्टन कर सकते हो। इनके अलावा और रिस्क लेना चाहो तो यहाँ पर अथानाजे और यहाँ पर डी नेड, ये दोनों मेरे फेवरेट ऑप्शंस रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, तो इन दोनों को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग चाहो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा
हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यह अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।